अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हम तुम फूड रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हमेशा की तरह सिंपल रेसिपी अरबी गोश्त। अरबी गोश्त बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। मटन का गोश्त मैंने लिया है 1 किलो से थोड़ा सा कम है, तकरीबन 3 पाव। उसके साथ मैंने लिया है 4 टेबल स्पून योगर्ट के, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट लिए हैं और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1 टेबल स्पून। 2 दालचीनी के स्टिक ले लिए हैं, 1 सब्ज़ इलायची छोटी वाली ले ली है, 1 चुटकी कलौंजी की ले लेनी है। नमक 1.5 टीस्पून लिया है, 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च के लिए हैं, 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है, काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और साथ में मैंने ली है बारीक कटी हुई अदरक, 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है। अरबी मैंने ली है, इसको जब तक मैं गोश्त गलाने के लिए रखूँगी तब तक मैं अरबी को बारीक काट लूँगी। वो स्लाइस में आपको दिखा दूँगी कि अरबी को मैंने कैसे काटना है। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले मैंने चूल्हा ऑन करना है, उसके बीच हांडी में मैंने गोश्त डाल दिया, उसके साथ मैंने सारे मसाले और प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट ये ऐड करना है और इसके साथ मैं ऐड करूंगी तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ना हमने गोश्त को बहुत ज़्यादा गलाना है कि गल के बिल्कुल गायब हो जाए। इसको एक बॉयल आने देंगे, एक बॉयल जब आ जाएगा तो हम गोश्त को गलने के लिए तकरीबन 45 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रख देंगे। गोश्त को उबाल आ चुका है, अब मैं चूल्हे की आंच को बिल्कुल दरमियानी कर दूंगी और इसको मैं 45 मिनट के लिए ढक के तो गलने के लिए रख दूंगी और उम्मीद है कि 45 मिनट में गोश्त बिल्कुल गल चुका होगा। तो 45 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। इंग्रेडिएंट्स में ऑयल बताना मैं आपको भूल गई थी, अब मैं इसको इसमें ऑयल डालूंगी तकरीबन 1/2 कप के करीब और इसको ऑयल में हम थोड़ा सा भून लेंगे गोश्त को। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, और टमाटर को हम गला लेंगे, ये ऑयल के साथ भुनने होंगे और इनको हम अच्छे तरीके से गला लेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं, इसमें मैं करूंगी 2 हरी मिर्चें और योगर्ट। योगर्ट को मैं ऐड करके इसको भी भून लूंगी और अब मैं इस हांडी को शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे चूल्हे पे और इस हांडी पे मैं दूसरा पैन इस चूल्हे पे रखूंगी। इस चूल्हे पे मैंने ये पैन रख दिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसमें मैं डाल दूंगी अरबियां जो मैंने लंबे स्लाइस में काट के रखी थी, इस तरीके से आपने भी काटनी है, और अरबियों को मैं फ्राई कर लूंगी। अच्छे तरीके से अरबियां फ्राई करनी है। अरबियां हमारी अच्छे से फ्राई हो रही हैं,
और तकरीबन हमारा गोश्त भी भून चुका है, बहुत नाइस स्मेल आ रही है। पाँच से छः मिनट के लिए अरबियों को बस स्टेयर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना इसको। अरबियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अब मैं वापस हांडी को इसी चूल्हे पे शिफ्ट कर दूंगी और देखिए बहुत ज़बरदस्त मटन फ्राई हो गया है हमारा। और अब मैं इसमें अरबियाँ डाल दूंगी, साथ में जो थोड़ा सा ऑयल था पैन में उसको भी मैं सारा इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। अरबियाँ डालने के फौरन बाद मैं इसमें ऐड करूंगी गर्म पानी, तकरीबन एक कप के करीब, जितना कि मुझे शोरबा चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डालना, बस नॉर्मल ग्रेवी, थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी। और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैं दम पे पकाऊँगी, जिसमें अरबियाँ हमारी गल जाएंगी और शोरबा भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। इसको मैं अब ढक दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, सॉरी इसको मैं ढकूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों टाइम हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त था शोरबा मटन अरबी के साथ रेडी है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इस पर गार्निश कर दूंगी हरा धनिया और चूल्हे की आंच में बंद कर दूंगी, अदरक डाल दूंगी। मिलेंगे बहुत जल्द अगली रेसिपी के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।